हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। कुछ ऐसे प्लांट्स लाई हूँ जो पूरे मॉनसून में सबसे ज़्यादा फूल देने वाले प्लांट्स के लिस्ट में शामिल हैं। आज इन सारे प्लांट्स के नाम के साथ इनके बारे में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे प्लांट वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। यूट्यूब पर मैंने अपने चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में हर तरह के प्लांट से रिलेटेड जानकारी दी हुई है, चाहे वो हवा को साफ करने वाले प्लांट्स हों, चाहे इनडोर रखने वाले प्लांट्स हों, आउटडोर प्लांट्स, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स और गार्डनिंग टिप्स हो, हर तरह के वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं प्लांट से रिलेटेड। आप लोग चाहें तो सर्च कर लें यूट्यूब में गार्डनिंग विद गीत कुमार, सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस का प्लांट है। ये देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे गुड़हैल कहते हैं इसे हिंदी में, गुड़हैल हिबिस्कस। और इसकी देसी वैरायटी आती है और हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आती हैं सिंगल पेटल और डबल पेटल्स में। और इसमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, रेड, वाइट, येलो, पिंक, ब्राउन, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, रंग बहुत सारे रंगों में मिलता है ये प्लांट। गर्मियों का ख़ास तौर से प्लांट है ये, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है थ्रू आउट, आप कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, साल भर। लेकिन सर्दियों में ये अपनी जो फ्लावरिंग होती है वो कम कर देता है, कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग देना भी बंद कर देते हैं सर्दियों में गुड़हैल के। तो ये गुड़हैल का प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट में। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फूल आके स्पेंट हो चुके हैं। और फिर दिखाऊं, ये है रोज़ प्लांट, बटन रोज़ है, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग होती रहती है। और ये जो रोज़ प्लांट है, वैसे तो ये सालों भर फूल देते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये सर्दियों का पौधा है, सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि जो रोज़ का प्लांट होता है, गुलाब का पौधा, इसे ठंडक बहुत पसंद है, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे अगर आप इसकी देखभाल गर्मियों में भी अच्छे से करें तो गर्मियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये है पोर्चुलाका का प्लांट फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस प्लांट के बहुत सारे नाम है, जैसे 9 o'clock, 10 o'clock, ऑफिस टाइम प्लांट पोर्चुला का। तो बहुत ही चीप प्लांट है, चीप रेट का प्लांट है, कहने का मतलब है बहुत सस्ते मिल जाते हैं आप लोगों को, 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा। और इजी टू ग्रो है, कहीं पे भी इसकी कटिंग थोड़ा सा भी ऐसे आप तोड़ के वैसे भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इन प्लांट्स में। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, बहुत सारे कलर्स में ये आता है। और ये है मुसंडा का प्लांट फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, रेड, पिंक और वाइट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है मुसंडा का, कटिंग से लगा सकते हैं आप लोग। और ये भी पूरे बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये है मोगरा का प्लांट फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत खुशबूदार पौधा है ये, बहुत इसमें खुशबूदार इसके जो फूल होते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इन फूलों से। और इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, आप लोग देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स इसमें कितने सारे बर्ड्स बने हैं और कितनी फ्लावरिंग अभी हो रही है, होने वाली है। और ये जो प्लांट है, ये सारे प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स हैं, फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की इन प्लांट्स को ज़रूरत होती है। सारे के सारे प्लांट आउटडोर रखने वाले प्लांट्स हैं, घर के बाहर धूप में। एक्जोरा प्लांट है, मिनी एक्जोरा, मिनिएचर एक्जोरा भी कहते हैं इस प्लांट को, कटिंग लगाई जा सकती है, इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जैसे, और कलर्स तो बहुत सारे आते हैं, वाइट, पिंक, रेड, येलो, बहुत सारे। और ये रात की रानी है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और इन सारे प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हैं पूरे बरसात में, ये सारे के सारे प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट हैं और सारे के सारे बहुत खुशबूदार। जितने भी फूल होते हैं जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें से सबसे ज़्यादा जो खुशबूदार पौधा होता है फ्रेंड्स फूलों वाला, वो ये मोगरा का है, जैस्मिन भी कहते हैं जिसे।
बहुत ही खुशबू वाले फूल आते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। सारे के सारे प्लांट्स जो हैं मॉनसून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अगर प्लांट वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।